मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल वन आपको क्लियर दिख रहा है बेटा? एग्जाम्पल वन, यहां पर एफ एक्स आपको एक फंक्शन देता है, वो क्वेश्चन के अंदर दिया है 2x+3 और x इक्वल टू 1 पर उसने आपसे डिस्कशन किया है कि आप बताइए कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूटी है इसकी या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, लिमिट पे बात करता हूँ। सबसे पहले x, ये रहा आपका x टेंड टू a लेकर के फंक्शन रखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पास करूंगा। कल मैंने कहा था कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है बेटा, इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप सीधा एफ ए निकाल दीजिए, और अगर वो डिफाइंड है, समझ में आ रहा है बेटा, अगर वो डिफाइंड है तो आपका ये जो रिजल्ट होगा यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? अब देखिएगा यहां पर ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई है 5, जो लिमिट में रख करके मैंने की है यहां पर, ये देखिएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको डायरेक्ट भी रख के देखता हूं फंक्शन में, ये वाली चीज। अगर मैं यहां पर सीधा f1 करता हूं तो ये वैल्यू यहां पर जाएगी, दैट मींस 2 × 1+3 इट विल बी 5। ओके, अब मैं चेक करता हूं कि लिमिट की वैल्यू और ये वैल्यू आपकी दोनों 5 5 हैं। तो बेटा ये याद रखना, लिमिट वाले क्वेश्चन में मैं इधर लिख रहा हूं कि अगर आपका लिमिट x टेंड टू a f a की वैल्यू एंड f a डायरेक्ट वैल्यू ये आपकी सेम आ जाती हैं, इस लिमिट के अंदर आपकी LHL भी और RHL दोनों इंक्लूड है, मतलब दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट है, और फिर डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की रखूंगा। तो अगर ये सिचुएशन हो जाती है सेटिस्फाई, ठीक है बेटा, अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स इक्वल टू जीरो पर डिस्कशन करना है। मैं लिमिट ऐसे लिखूंगा, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स रखूंगा और एक्स के प्लेस पे जीरो पास कर दूंगा, ये जीरो आया, और फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू जीरो रखूंगा। तो बेटा देखो ये फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट भी आपकी जीरो है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े। 3, आपको एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स यहां पर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये जो मोड एक्स फंक्शन है इसकी आपकी यहाँ पर स्प्लिटिंग फॉर्म, ये एक तरह से मैं कहता हूं कि ये रीराइट फॉर्म कह सकते हैं हम इसको, कि आपका फंक्शन रीराइट किया गया है बेसिक कंसेप्ट को लेकर के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका कि अगर एक्स नेगेटिव होगा तो आप माइनस एक्स चूज करेंगे, और अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो आपको लेना है एक्स डायरेक्ट पॉजिटिव वाला, यानी कि प्लस एक्स लेंगे आप। अब आप LHL चलिएगा, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो एज इट इज रहेगी, माइनस में जाएगा। यहां आप फंक्शन की वैल्यू ये वाली रखेंगे, ये आपने फंक्शन की वैल्यू यहां से उठानी है, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ये फंक्शन की वैल्यू उठा लूंगा मैं, और इस फंक्शन की वैल्यू को मैं रख दूंगा। अब मैंने ये वाला उठाया पार्ट यहां पर, और डायरेक्ट वैल्यू जीरो आ गया। अब मैं जाता हूं RHL, RHL यहां पर होगा, आप ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे फंक्शन के प्लेस पे, ये रखी और ये भी आपका जीरो। अब आप क्या करने वाले हैं, आप एफ जीरो भी निकालें। तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि एफ जीरो की वैल्यू कहां रखनी है मुझे, इस प्लेस पे रखनी है, क्योंकि यहां पर इंक्लूड वैल्यू है, ये ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल का साइन इन्वॉल्व है इस प्लेस पे, और वो है आपके पास जीरो के लिए। तो जब आप एफ जीरो की वैल्यू रखना चाहेंगे तो वो भी आपकी जीरो आएगी, क्योंकि आप इस प्लेस पे रखेंगे। अब आप देखते हैं कि आपके लिमिट्स जो हैं, आपकी एल एच एल की वैल्यू इक्वल आ चुकी है, आर एच एल के इक्वल है, और वो जीरो है जो कि एफ जीरो के इक्वल भी है। तो ये सारी वैल्यू जब इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूं मैं। अब यहां पर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, बहुत तेजी से ले रहा हूं मैं, तो अगर कोई डाउट होगा तो हम बाद में बात कर लेंगे इसको लेकर के। एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 4 में आप देखिएगा, आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये इज नॉट इक्वल टू अ केस है। इज नॉट इक्वल टू का मतलब याद रखना बेटा, एल एच एल की सिचुएशन भी यही होगी और आर एच एल की सिचुएशन भी यही होगी, मतलब इसी फंक्शन को मैं लेफ्ट हैंड के लिए भी इस्तेमाल करूंगा एंड राइट हैंड के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। आपको कंटिन्यूअस के लिए बात कर रहा है कि वो कंटिन्यूअस नहीं है,
ठीक है बेटा, तो आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से लिमिट को आप चूज कीजिए, एक्स ये जीरो रखूंगा मैं और यहाँ पर ये एफ एक्स रखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैं यहाँ से उठा करके जीरो रख रहा हूँ। अब आप फंक्शन की वैल्यू पे आ जाइए, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और फंक्शन होगा एक्स क्यूब प्लस थ्री। तो मुझे लगता है कि जब ये जीरो रख दोगे आप यहाँ से तो आपका थ्री आ जाएगा। क्या मैं क्लियर हूँ यहाँ पर बेटा? आपका ये थ्री आया। अब आप देखिएगा डायरेक्ट वैल्यू, ये जो आपको बोल रहा है एफ जीरो वो बोल रहा है वन। तो मैं एक बात मानता हूं कि ये दोनों सेम नहीं है, यानी कि लिमिट की चीजें जो आपकी जीरो पर एफ एक्स थी वो इक्वल नहीं है। कौन से केस में आपका इक्वल नहीं है? ये आपका डायरेक्ट वैल्यू जो जीरो पर थी उसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये मेरा यहाँ पर प्रूव होता है। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कांस्टेंट फंक्शन की बात हो रही है। कांस्टेंट फंक्शन में चाहे आप लिमिट LHL जाएं, RHL जाएं, कुछ भी जाएं, आपकी डायरेक्ट वैल्यू रहेगी K। ये फिक्स है आपकी, ये K चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर एक थ्योरी आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये थ्योरी मैं कह रहा हूँ हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये जो फंक्शन होते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये आपके हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। ओके, फिर आ जाइए, ये आइडेंटिटिकल फंक्शन है। आपने याद होगा 11th क्लास में फंक्शंस पढ़ा था, रिलेशन फंक्शन चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कई जगह देखा था कि भाई fx इक्वल टू x दिया होता था। इसी को मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि fx इक्वल टू x है मेरे पास, तो इसे बोलते हैं आप आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन चूंकि ये जैसे x रखोगे सेम y आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता रहेगा, लेकिन ये हर रियल वैल्यू पर डिफाइंड आएगा, हर रियल वैल्यू पे डिफाइंड आएगा। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधा अपने क्वेश्चंस पे मूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप फिर से आ जाइए मॉडुलस फंक्शन। ठीक है जी, मॉडुलस फंक्शन में आप जब चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब यहाँ पर जीरो पे डिस्कस किया था, आप लोगों ने ऊपर देखा है इसको, इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा? सेम आती है। ठीक है बेटा, लेकिन ये जीरो पर ही है, लेकिन जीरो से अलग जब आप बातें करेंगे तो आपको वो पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से रखना है। उस वैल्यू को आप यहाँ पर पास करेंगे, मान लीजिए मैंने थ्री चूज किया, ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारी की सारी वैल्यू यहाँ के हिसाब से थ्री ही आ जाएंगी। जब ये थ्री आ जाएंगी तो आपका ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? ये आपका कंटिन्यूअस। और इसका आप ग्राफिकली भी आप ध्यान रखना बेटा, ये वी शेप बनती है। मॉडुलस फंक्शन कोई भी हो आपका हमेशा ग्राफिकल फॉर्म बनेगा। क्लियर है बेटा? कैसा फॉर्म बनेगा आपका? ग्राफिकल फॉर्म बनेगा। ठीक है बेटा, ओके, चलो आगे मूव कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आप क्या करने जा रहे हैं कि मुझे नहीं दिया हुआ यहाँ पर कि डिस्कस किस पॉइंट पे करना है। तो कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन के लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, कुछ किसी भी फंक्शन को आप कोई एक ऐसी चीज लेकर के चल सकते हैं, चाहे वो सी लेकर के करें आप, चाहे वो आप यहाँ पर के लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। लेकिन मैं वैल्यू चेक करूंगा तो इस तरह के फंक्शंस जो हर जगह हर पॉइंट पर डिफाइंड होते हैं वो ज्यादातर आप मान लीजिए कि वो आपके कंटिन्यूस होते हैं। और ये वैसे भी ये तो आपका कंटिन्यूस इसलिए होगा क्योंकि ये पॉलीनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बेटा? पॉलीनोमियल फंक्शन है। अब इस पे मूव करते हैं। यहाँ पर इसने दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू जीरो। x इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये आप याद रखिएगा कि अगर x जीरो नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर x की वैल्यू जीरो छोड़ दीजिए। बाकी ये जो 1/x है बेटा, ये 1/x इट विल बी डिफाइंड एवरीवेयर। 1/x सभी जगह डिफाइंड होगा एक्सेप्ट जीरो। तो उसने ये कहा कि अगर कोई कांस्टेंट c या k ले लेते हो तो ठीक है। इसका आप ग्राफ भी और बताता हूं मैं। ये ग्राफ इस तरीके के बनते हैं बेटा इसके क्वेश्चन के। इसके ग्राफ कुछ ऐसे होंगे इस तरीके के। तो ये ग्राफ जो है आप देखेंगे कंटिन्यूअस है, लेकिन ये जीरो पर कहीं नहीं आएंगे। क्या ये जीरो पर नहीं आएंगे? क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है बेटा, डाउट है कोई? एक मिनट, हाँ
हाँ जी बेटा, चलो अभी जरा मैं एक यहाँ पर अभी आपको एक ग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ बेटा। ये ग्राफ आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी ग्राफ आपको दिखाने जा रहा हूँ। ओके, एक मिनट बस ग्राफ देखिएगा आप। मुझे लगता है बेटा वो इसमें शो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी गूगल का एक कंसेप्ट है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं। वैसे मैं आपको एक यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से बेटा इसे नोट कर लीजिए, ये गूगल जाकर के आप देख सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आप नोट कर लीजिए, डॉसमॉस, ठीक है, ये डॉसमॉस करके एक एप्लीकेशन है, गूगल कर लीजिएगा। ये आपका एक ऐसा कैलकुलेटर बेटा जो ग्राफ आप कुछ भी, जैसे उसमें सीधा ग्राफ टाइप करोगे आप 1/x, तो वो इस तरह का ग्राफ शो कर देगा, ठीक है बेटा। जनरली बहुत सारे बच्चों को मे भी पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ आप इसे डॉसमॉस आप देख लेना। ये एक एप्लीकेशन है जो आपका ऐप भी है, आप चाहे तो इसे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जरूरत पड़ेगी इसकी तो आप ग्राफिकली चेक कर सकते हैं। मैं अगले पे मूव करता हूँ। चलिएगा, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल 10 में आपको इससे पता चल जाता है लेफ्ट हैंड कौन सा है। देखो ये लेस देन का साइन है, ये LHL भी होगा और F1 भी यहीं से आने वाला है, दोनों चीजें यहां से आने वाली है। अगर मैं F1 डायरेक्ट चेक कर लेता हूं तो 3 होगा, LHL चेक करूंगा वो भी 3 होगा, और RHL, अब आप RHL देखिएगा, ये वाली चीज, ये RHL है आपके पास। जब RHL आप यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा ये मैं यहां देखता हूं, देखो यार RHL की वैल्यू आपकी माइनस वन आएगी। क्या आएगी RHL की वैल्यू बेटा? माइनस वन आएगी। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप डायरेक्ट वैल्यू चेक कर लीजिए और ये RHL चेक कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है बेटा, ये आपका क्या हुआ? कंटिन्यूस नहीं हुआ है। क्लियर है बेटा? चलिएगा आगे देखते हैं। यहां भी आप देखिएगा क्वेश्चन को, इसमें भी आप ध्यान से समझिए, ये चीज आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट काम करेगी, ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू काम करेगी, ये आपकी राइट हैंड लिमिट काम करेगी। तो एक तो केस है एक्स लेस देन वन, एक है एक्स जीरो और एक है एक्स ग्रेटर देन वन। तो जब मैं लेफ्ट हैंड की बात करता हूं तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा और मैं चेक करूंगा 1+2 को, ये आएगा आपका 3। क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। क्लियर हो रहा है? आप RHL जाइए, RHL में आप 1-2 लिखोगे, ये -1 आ जाएगा। तो पहली बात तो यहीं पे दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं है। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो मैं एक बात तो यहीं पे समझ गया कि भैया कंटिन्यूस तो है नहीं। क्या ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यूस, मतलब वैल्यू आपकी कंटिन्यूस नहीं दिखा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन डिसकंटिन्यूस, ठीक है बेटा। अब आप ग्राफिकली भी आप इसको देख सकते हैं, ये यहां पर ये गैप क्रिएट हो गया है, अदरवाइज ये ऐसे होता ऐसे जाता है। या आप इसे अगर ये चीज ना लिखकर इसे कट कर देते हो तो ये तो डिसकंटिन्यूटी हुई ना, कि ये वाला पार्ट ही नहीं शो हो रहा है, तो ये ग्राफ कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12 में मुझे एक चीज नजर आ रही है, यहाँ आपका LHL हो गया और यहाँ आपका RHL हो गया। क्या मैं इतना समझ रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चांस मतलब रख देता हूँ, चूज करता हूँ, तो 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। तो एक बात तो क्लियर हुई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल है, यानी कि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर मिस कर गया, यानी कि x=0 का केस गायब है। किसका केस गायब बेटा? x=0 का केस गायब है, ये केस गायब है, तो मैं कंटिन्यूअस नहीं बोल सकता। ये होल क्रिएट हो गया यहाँ पर, आप देखेंगे ये इन्होंने होल बना दिया है, तो ये आपका इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? चलिएगा बहुत तेजी से देखते चल रहे हैं हम। एग्जांपल इसमें भी चूज कीजिए, RHS वैल्यू यही मिलेगी, RHL यही होगा, F0 यही होगा, ये आपका
पार्ट बना LHL, क्या बना बेटा ये आपका पार्ट बना LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पर मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं तो ये जो चीज चूज कर रहा हूँ, ये जो वैल्यूज यहाँ रख रहा हूँ, तो चाहे x में रखूँ चाहे x स्क्वायर में रखूँ, आपके दोनों रिजल्ट जो है जीरो पर, दोनों के दोनों जीरो जीरो आने वाले हैं। इसका मतलब ग्राफिकली भी आप देख लीजिए, चाहे इसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके चलिएगा, अब मैं ये छोड़ के चल रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, इसको मैं लेना चाहूंगा, ये एग्जाम्पल कई बार क्या मिलता है बेटा, आपके कई बार एक एफ एक्स को वो कुछ इस तरीके से लिखेगा, ऐसा पार्ट बना के लिख देगा, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका मॉडुलस फंक्शन भी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास जी एक्स, वन मिनट गलत थोड़ा सा हो गया, आपके पास एक जी एक्स फंक्शन है, एक एच एक्स है, एक एल एक्स है, मैं तो बहुत सारे फंक्शन यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, इस तरह के जो अगर फंक्शन है और इनको प्लस माइनस करके एक नया फंक्शन क्रिएट किया गया एफ एक्स, एक नया फंक्शन एफ एक्स क्रिएट किया गया इनको प्लस माइनस करके, तो एक चीज याद कीजिए, ध्यान रखना बेटा, कि अगर इनमें से ना एक भी डिसकंटिन्यूस हो गया, एक भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, तो सारा का सारा फॉर्म, यानी कि ये जो एफ एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर सारे कंटिन्यूस हैं तो ये आपका कंटिन्यूस हो। याद रहेगी बात, सारे डिसकंटिन्यूस या सारे जितने भी थे उनमें से एक या दो भी डिसकंटिन्यूस, अगर डिसकंटिन्यूस है अदरवाइज आपका ये कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर हो गया आपको? ये याद रखना है बेटा, ठीक है, क्योंकि कई जगह इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी जहां पे दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को आपको प्लस माइनस करके लिखने को दिया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आप यहां इस पॉइंट पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये कहता है वो इसमें अलजेब्रा में कि अगर आपके पास एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है सी पॉइंट पर, तो प्लस कंटिन्यूस होगा, माइनस कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट कंटिन्यूस होगा, डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये जो डिवाइड में आ गया है ये चीज जीरो नहीं हो सकती, अदरवाइज ये आपका इनडिफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, इनडेफिनाइट हो जाएगा। इनडेफिनाइट वाले केस में हम क्या करेंगे, इसे हम कह देंगे कि भैया ये तो कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर हो रहा है? ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखना कि इस तरह से आपकी चीजें कंटिन्यूस अगर हैं सारे तो कंटिन्यूस हैं, अगर एक भी डिसकंटिन्यूस तो फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं थ्योरम्स पे जा रहा हूँ, सीधी सीधी थ्योरम्स कह दीजिए, ये एग्जांपल है, लेकिन मैं कहता हूँ थ्योरम्स हैं। कोई भी रियल फंक्शन है आपका रैशनल वाला इस तरह का, ये सिचुएशन छोड़ दीजिए तो वो कंटिन्यूस है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल, मैं तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल की बात करता हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ज्यादातर सब आपके कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है बेटा, फिर आपके पास आता है, देखो ये tan x का भी लिखा, तो मैं कहता हूँ जब सब कंटिन्यूस थे तो ज्यादातर ये सभी कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन, ये आपकी थ्योरम टू, इसे मैं स्टार बना रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह यूज होती है। आपके पास एक एफ एक्स फंक्शन है, एक आपके पास जी एक्स फंक्शन है, दोनों आपके कंटिन्यूस है। क्या है दोनों फंक्शन? कंटिन्यूस फंक्शन है। तो बेटा याद रखिएगा कि आप उनका कॉम्पोजिशन लोगे ना, फोग या गोफ इस तरह से, या गोग लोगे, ये फोग लोगे इस तरह से, फोग सॉरी, इस तरह से जितने भी कॉम्पोजिशन होंगे ये भी आपके जनरली कंटिन्यूस मिलेंगे। बाकी एक दो कंडीशंस में भी कहीं थोड़ा बहुत फंस सकते हैं, अदरवाइज ये आपका हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। कैसे होंगे? कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। क्लियर है बेटा, याद रखिएगा इन चीजों को कि ये कंटिन्यूस फंक्शन की फॉर्म्स हैं आपकी, और ये बहुत क्वेश्चंस आप ऐसे पढ़ने जाएंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह मिलेगा कि ऐसी चीजें डायरेक्ट यूज भी हो रही हैं कहीं कहीं। अभी मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को, ये आप एग्जाम्पल चेक कीजिए। जब आप इस एग्जाम्पल को चेक करोगे, ठीक है बेटा, तो इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि 1 माइनस एक्स अंदर, ध्यान से देखिएगा, आपका 1 माइनस एक्स है, ठीक है, इसमें ये मॉडुलस केस लिखा हुआ है इस तरीके से, लेकिन इसके साथ एक प्लस मॉडुलस भी है, ये इस तरह का, तो ये दो फंक्शन से मिलकर के बना है। ठीक है, तो जी एक्स फंक्शन में एक ऐसा फंक्शन लिखता हूँ, एच एक्स में एक ऐसा लिखता हूँ, तो ये एच ओ जी यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग चेक करूंगा। मैं दो जी एक्स फंक्शन एंड एच एक्स फंक्शन, ये दो फंक्शन है, दोनों को अलग अलग चेक करूंगा कि क्या दोनों अलग अलग कंटिन्यूस हैं। अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो भी आपका कंटिन्यूस
हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं मानता हूं कि मॉडुलस फंक्शन जो होते थे वो आपके कंटिन्यूअस होते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपके कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोनों? ये आपका कॉम्पोजिशन है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हम ऊपर पढ़ के आए थे, ये आपका कंटिन्यूअस होता है चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो। तो ये आपके फिर जो है क्या होंगे बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दो चार लगवाता हूँ, ठीक है, फिर बाकी आप होमवर्क एक तरह से समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। इसमें से देखो मैं खास खास क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बोर्ड्स में आ चुका है इस तरह का, क्यों? क्योंकि तीन तीन चार चार जगह बातें कर रहा है। तो मैं अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर डिस्कस करूंगा तो आप ध्यान से समझ लीजिए, ये वाला फंक्शन ही आपका एल एच एल होगा, यही आपका आर एच एल होगा और यही आपका डायरेक्ट वैल्यू होगा। सारी वैल्यूज यही चूज करनी पड़ेगी, तो ये सारे के सारे जीरो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जीरो। इसका मतलब जीरो पर आपका कंटिन्यूअस होगा। अब आप चले जाइए वन को लेकर के, किसको? वन को लेकर चलिएगा। जब आप वन लेकर के चलोगे तो वन लेने पे एल एच एल आर एच एल आपको अलग अलग इस बार मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं अलग अलग? क्योंकि फंक्शन की कंडीशन आपको दी हुई जो है वो वन के लिए ही दी हुई है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका एल एच एल जाने वाला है वो आएगा वन, फिर आपकी डायरेक्ट वैल्यू वन पर वो भी वन, और आर एच एल जो है आपका यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू फाइव प्लस एफ एक्स जो है ये आपका फाइव है, सॉरी वन प्लस जो है ये आपका फाइव है। तो ये वैल्यू जो है आपकी इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है। क्या है? डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। एक्स इक्वल टू टू पर चलते हैं। एक्स इक्वल टू टू पे बेटा अगर आप ध्यान देंगे तो इस एक्स इक्वल टू टू पर आपकी एल एच एल आर एच एल जो है वो नीचे वाला फंक्शन जो दे रखा है वही दोनों पे काम करेगा। यानी कि इस जगह मैं एल एच एल भी यही लूंगा, मैं आर एच एल भी यही लूंगा और डायरेक्ट वैल्यू वन भी वो यही लूंगा। तो सारी वैल्यूज जो है वो वन पर आपकी, सॉरी ये आपकी टू पर फाइव हो जाएंगी। तो सारी वैल्यू फाइव है, इसका मतलब अब ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन। डाउट कोई? समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, चलो आगे मूव कर रहा हूं मैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार आ चुका है, ये भी है। ये दोनों भाई भाई हैं, मतलब भाई भाई से मतलब है मेरा, दोनों एक जैसे हैं और एक ये क्वेश्चन और लगाते हैं, तो इनको बहुत तेजी से देखते हैं। मैं इसको समझता हूँ कि एल एच एल और डायरेक्ट वैल्यू ये हो गई। जब एल एच एल और डायरेक्ट वैल्यू इस पे जाओगे, लीनियर फंक्शन जो होते हैं या पॉलिनोमियल जो होते हैं उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये सेवन रिजल्ट आएगा। यहाँ आर एच एल जाओगे, यहाँ रखोगे, ये आपका फोर माइनस थ्री करोगे वन आएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये सेवन वैल्यू वन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस है। क्या है? ये डिसकंटिन्यूस। अब इस फंक्शन पे चलिएगा, इस फंक्शन के अंदर आप जाइएगा एक्स लेस देन माइनस, देखो ये एल एच एल होगा आपका, ठीक है, ये थ्री पे और माइनस थ्री पे, तो ये वाले में आप आर एच एल जाएंगे। किस केस के लिए? एक्स टेंड टू थ्री माइनस पर, माइनस थ्री पर, सॉरी माइनस थ्री पर। ये वाला फंक्शन एल एच एल और आपका डायरेक्ट वैल्यू का, और एल एच एल आर एच एल और डायरेक्ट वो यहाँ पर जाने वाला है, ये भी आपका डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस आप चेक करेंगे। तो जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है बेटा, मैं इस वाली वैल्यू पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका, ठीक है, वन मिनट। मैं x इक्वल टू माइनस थ्री पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो x इक्वल टू माइनस थ्री पे जब मैं डिस्कस करूंगा तो देखिएगा ये एल एच एल वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू होगी। दोनों ही केसेस जब आप ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा सिक्स। तो एल एच एल की वैल्यू और आपके डायरेक्ट f माइनस थ्री की वैल्यू, वो मेरा सिक्स आ चुका है। अब मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, ये भी मेरा सिक्स है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस थ्री पर आपका कंटिन्यूस हो गया। समझ आ रहा है? x इक्वल टू माइनस थ्री पे क्या हो गया बेटा? कंटिन्यूस हो गया। अब दूसरे वाले पे चल रहा हूँ मैं अब आर एच एल एल एच एल लूंगा दूसरे फंक्शन की, दूसरा फंक्शन इन द सेंस इसी के अंदर जो दूसरी कंडीशन है थ्री पर, x इक्वल टू थ्री पर, x इक्वल टू थ्री का एल एच एल जो होगा वो ये फंक्शन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स। आर एच एल जो होगा वो यहाँ पर जाने वाला है, तो आर एच एल आप रख के देखेगा, ये हो जाएगा एटीन प्लस टू इक्वल टू 20। तो ये आप खुद देखिएगा, ये आपका 20 आया, ये आपका माइनस सिक्स आया, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस हो गया। किस पर? x इक्वल टू थ्री पर। समझ में आ रहा है? x इक्वल टू ये आपका डिसकंटिन्यूस हुआ है थ्री पर।
ठीक है, एल एच एल आर एच एल वैल्यू रख करके देखना है, बाकी कोई ज्यादा गेम नहीं है इसका बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पर चलते हैं एर्थ वाला। एर्थ वाले की मैं इसको स्प्लिटिंग समझता हूँ। मॉडुलस एक्स में ऊपर पढ़ के आया, दो केस आपके बनते हैं। क्या बनता है? एक बनता है ये वाला जब x लेस देन 0 होगा, एक प्लस x बनेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मैं इन दोनों को अगर यहाँ अप्लाई कर देता हूँ बेटा, ये 0 वाला मैं वहां पर, उसने 0 वाली सिचुएशन यहाँ दी है इसलिए इसको मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। अब आप देखिएगा इस केस को कैसे लिखोगे, मोड x अपॉन x को आप दो तरीके से लिखोगे। पहली चीज लिखोगे x अपॉन माइनस x अपॉन x x लेस देन 0 पर, एक लिखोगे x अपॉन x x ग्रेटर देन 0 पर। जब मैं इस फॉर्म की बात करता हूँ ये आ जाएगा माइनस वन, और इस फॉर्म की बात करता हूँ तो प्लस वन। तो बेटा यहीं पर आपका क्लियर हो गया कि एल एच एल वो आपका माइनस वन, इससे पता चला आर एच एल ये हो गया वन, फिर तो दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो इससे पता चला कि ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। क्या हुआ बेटा ये आपका डिसकंटिन्यूस हो गया। क्लियर हो गया, ये फंक्शन आपका क्या है? डिसकंटिन्यूस। तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस चीज के लिए, ये भी वही हो जाएगा आपका, समझ रहे हो, ये भी आपका क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये आपके क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर हो गया हमारा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन भी, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बाकी ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। बेसिक चीजें अगर बहुत अच्छे से आती हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स अगर आपने थोड़े से पढ़ रखे हैं तो क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे देखिएगा x लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब एल एच एल आपका जाने वाला है यहाँ पर। तो जब 1 सब्स्टिट्यूशन जाएगा एल एच एल लेकर के मैं लिख करके इसको करूंगा तो 6 आएगा, और एफ 1 वो भी 6 हो गया। ठीक है, दो काम मेरे निपट गए, दोनों इक्वल है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ आर एच एल, आर एच एल हो गया 1-5 यानी कि -4। क्या ये दोनों सेम है? ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस। क्या हुआ ये? डिसकंटिन्यूस। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, एल एच एल आर एच एल का गेम है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत मतलब आसानी से आप कर सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेरे विचार में क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसे करने में ज्यादा फायदा है हम लोगों को, 17 पे मूव करता हूँ। 17 पे आप एल एच एल और डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से चलिए। ठीक है, तो मैं एल एच एल लिखता हूँ, लिमिट एक्सटेंड टू आपका 3 माइनस होगा एफ एक्स होगा, और चूंकि लीनियर है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लीनियर में डायरेक्ट रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3a+1, ये एल एच एल निपट गया। ठीक है, और यही चीज आपकी एफ थ्री भी हो जाएगी, तो एल एच एल और एफ थ्री दोनों रिजल्ट आपके सेम। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसको लेकर, ये मेरा आर एच एल, आर एच एल में मैं मानता हूँ कि ये लिमिट एक्सटेंड टू 3+fx लिखोगे, और मैं कहता हूँ फिर से वही लीनियर फॉर्म में डायरेक्ट रख दो 3b+3, तो ये दोनों वैल्यू एल एच एल आर एच एल वाली दोनों मेरी आ गई हैं। अब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल होते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी इक्वल होती है। तो मैं अगर यही वैल्यू इक्वल रखना चाहूँ तो 3a+1 इक्वल टू 3b+3 जाऊँगा। क्या ये बात मेरे को समझ में आ गई? अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको इधर ले लेते हैं, इसे इधर ले लेते हैं, 3a-3b इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। चाहो तो आप यही आंसर छोड़ दो, वरना 3 से आप डिवाइड भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 3 से डिवाइड, तो बनेगा a-b इक्वल टू 2/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ कि रिलेशन मुझसे पूछा गया था, मुझसे क्या पूछा गया था, रिलेशन पूछा गया था, मैंने एल एच एल निकाला, मैंने आर एच एल निकाला, दोनों को इक्वल रखा, सिंप्लीफाई किया, और ये मेरा एक रिजल्ट बन गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई चीज़ें, इस तरह से मैं इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन और ये लिमिट की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से लगानी आनी चाहिए, क्योंकि गलती जो होती है वो लिमिट की प्रॉपर्टी को लेकर के होती है ज्यादा। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी जैसा है, यहाँ पर आपको 0 पास करना है तो ये लैम्बडा ही नहीं आएगा। आप देखिएगा एल एच एल जब आप जाओगे तो आपका तो लैम्बडा ही खत्म हो गया ना, तो लैम्बडा खत्म हो गया है, 0 केस पे बात हो रही है, इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी डिफाइन नहीं होगी, नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा एग्जिस्ट। अब आप 1 पे बात करें,
वन पे बात करोगे तो आर एच एल एल एच एल दोनों की दोनों कहाँ चली जाएंगी आपकी, समझा रहा है बेटा। मैं मानता हूं कि आपने पहले केस के लिए x इक्वल टू जीरो के लिए बात करी तो उसमें नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा आ गया। क्यों आ गया नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा? क्योंकि लैम्बडा एग्जिस्ट नहीं करता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैं आर एच एल और एल एच एल लूंगा वन पर, किस पर लूंगा? वन पर बात करूंगा जी। ये वाला जो है आपका यहाँ पर यूज करना है मुझे, एल एच एल भी यही होगी, आर एच एल भी यही होगी और डायरेक्ट वैल्यू वन पर भी आपका फोर प्लस वन मतलब फाइव आएगा। तो एक बात आप देखिएगा, क्या यहाँ पर कहीं लैम्बडा इंक्लूड है क्या बेटा? यहाँ पर तो लैम्बडा इंक्लूड नहीं है। तो जब ऐसे केस में लैम्बडा इंक्लूड नहीं होता है तो आप बोलेंगे कि भैया लैम्बडा की तो मुझे जरूरत ही नहीं है इस चीज के लिए। जब लैम्बडा की जरूरत नहीं है तो मैं कह दूं एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा, क्या कह दूं मैं? एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा, मतलब लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी रखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। आप ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके कंपोजिशन को लेकर के हैं या आपके फोगोफ, ठीक है बता रहा हूँ मैं, फोगोफ जैसे हैं या एफ एक्स और जी एक्स के प्लस माइनस वाले हैं या एफ एक्स इंटू जी एक्स वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। अगर दोनों फंक्शन तीनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनके सम प्लस माइनस आपके मल्टीप्लाई डिवाइड सब कंटिन्यूस होंगे, उनके फोगोफ जो है ये भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह की चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये आपका कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों आपको इसी से पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं ये इन्हीं प्रॉपर्टी पे हैं जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 23। आपका एल एच एल का गेम यहाँ है, आर एच एल आपका यहाँ है। तो आप लिखिएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स, एफ एक्स के प्लेस पे आएगा साइन एक्स अपॉन ये, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। बेटा मैं यहाँ पर एक्स टेंड टू जीरो माइनस एच रखूंगा। अगर एक्स टेंड टू जीरो माइनस है तो एच टेंड टू जीरो, कितनों को याद है ये बात, हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी कि आपकी लिमिट में इस तरह की चीजें हमेशा एच जीरो देंगे। तो जब ये एच जीरो हो जाएगा तो मैं अब यहाँ पर वैल्यू लेके जाता हूँ, वैल्यू लेके जाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। ये दोनों ही केस में ध्यान रखना, ये साइन एच अपॉन एच हो जाएगा और लिमिट आपकी एच टेंड टू जीरो आगे रहेगी और इसकी वैल्यू मैं वन पढ़ के आया हूँ। क्या पढ़ाया बेटा मैंने इसकी वैल्यू को? वन पढ़ा है। ये फॉर्मूला है ना आपका लिमिट का। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप डायरेक्ट जाएंगे आर एच एल लेकर के या डायरेक्ट वैल्यू आप जीरो रखेंगे, दोनों ही केस में ये बना है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है और फंक्शन की वैल्यू आपकी वन है। क्या है फंक्शन? कंटिन्यूस है और आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? वन है। लेकिन अदर पॉइंट्स पर ये आपका, जैसे आप कोई सी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर वो आपका डिफाइन जो है अलग तरीके से होगा, यहाँ पर अलग तरीके से होगा। तो ये जीरो पर तो कंटिन्यूस है, बाकी अदर पॉइंट्स पर आपका ये मे बी आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है बेटा। अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज की क्लास मैं यहीं पर लीव कर रहा हूँ बेटा।